हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर रीता पांबे, लेक्चरर एट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन चैप्टर 3, ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर। एंड द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। द कोर्स आउटकम फॉर दिस कोर्स एज मेंटेन ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स ऑफ AM and FM. All of you know about AM and FM. AM, that is the amplitude modulation, and FM, that is the frequency modulation. What are the different transmitters and receivers used for the AM and FM, we will discuss here. Chart shows CO and PO mapping, and here CO3 of chapter 3 getting mapped with the different POs like PO1, PO2, PO3, 4 at the highest level. For the PO6 and the PO9, it is at the lowest level, and again for the PO8 and PO10, it is getting mapped at the highest level. After the completion of this course, student will be able to explain the function of given blocks of super heterodyne receiver. Whatever the different blocks used in the FM super heterodyne receiver, student should be able to explain function of each blocks of FM super heterodyne receiver. In the last lecture, we were studied about types of FM generation technique and explain Armstrong method with block diagram. We were studied about the Armstrong method, which is the indirect method for the generation of FM. So, what is FM receiver? In the last lecture, we have studied about the different FM transmitter, and in this lecture, we are going to study about FM receiver. So, the FM receiver are also a super heterodyne receiver like AM receiver. But FM receivers having the higher operating frequency than that of the AM. Here, we are using limiter and deemphasis circuit. What is the use of limiter and what is the use of deemphasis, we will discuss in the block diagram. Next, different methods of demodulation ko apan FM receiver mein use karne wale hai. Different methods of obtaining AGC. AGC ko kaise obtain karna hai, ye bhi apan FM receiver mein dekhenge. AGC kya hota hai, sabko pata hai, that is the automatic gain control. गेन को ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल करना है, ये हम एजीसी के थ्रू पढ़े हैं. देन दिस इज द एफएम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, एंड हियर दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिसीवर में डिफरेंट ब्लॉक्स के थ्रू आपका एफएम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर वर्क करता है. ठीक है, सुपर हेटेरोडाइन के दो टाइप होते हैं. एक तो सिंगल सुपर हेटेरोडाइन भी होता है और डबल सुपर हेटेरोडाइन भी होता है. जब भी सुपर हेटेरोडाइन की बात आती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है द मिक्सर विच कंसिस्ट ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी, वन इज द RF एंड द सेकेंड वन इज द लोकल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंट ब्लॉक से. तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ट्रांसमीटर से आने वाले सिग्नल रिसीवर तक आने वाले हैं. तो सबसे पहले एक चीज़ ब्लॉक डायग्राम को याद रखते टाइम कैसे याद रखना है कि जब मैंने ट्रांसमीटर पढ़ा था तो ट्रांसमीटर का मेरा सबसे लास्ट वाला ब्लॉक किसको कनेक्ट था? एंटीना को. क्लियर? एंटीना को कनेक्ट था, तो उसी एंटीना से यहाँ से शुरुआत होगी रिसीवर की. कहाँ से शुरुआत होगी? एंटीना से शुरुआत होगी रिसीवर के, और एंड होगा लाउड स्पीकर का. वही आप अगर ट्रांसमीटर की बात करते हो तो ट्रांसमीटर की शुरुआत होती है ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल से और एंड होता है एंटीना पे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिस इज रिसीविंग एंटीना. एंटीना में क्या होता है? दिस रिसीविंग एंटीना हैविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंजेस. क्या कंसिस्ट करता है? डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंजेस. अभी एंटीना ने क्या किया?
कि सबसे पहले जितने भी फ्रिक्वेंसीज उसके पास आई थी थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो उसने उसके पास रख ली। जैसे ही उसने उसके पास रख ली दैट फ्रिक्वेंसी कम्स टूअर्ड्स द आरएफ एम्पलीफायर। क्या हुआ, आरएफ एम्पलीफायर के पास है, बट आरएफ एम्पलीफायर ने क्या किया, जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी उसको रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट किया और जितनी फ्रिक्वेंसीज नहीं चाहिए थी दैट इज द अनवांटेड फ्रिक्वेंसी रेंजेस को रिजेक्ट किया। क्लियर, आरएफ एम्पलीफायर दिस इज अ वन ऑफ द एम्पलीफायर। क्या काम है इसका, सिलेक्ट्स वांटेड फ्रिक्वेंसी सिग्नल एंड रिजेक्ट अनवांटेड फ्रिक्वेंसी सिग्नल। क्लियर, दिस इज द यूज ऑफ आरएफ एम्पलीफायर। अभी इससे क्या होगा, तो इससे जो फ्रिक्वेंसी रेंजेस उसको रिक्वायर्ड है उसमें अनवांटेड सिग्नल नहीं आएंगे, जिसके कारण आपके नॉइस का जो भी सिग्नल पे इफेक्ट हो रहा है वो कम होगा। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ आरएफ एम्पलीफायर। देन जो भी सिग्नल आरएफ एम्पलीफायर ने सिलेक्ट किए दैट सिग्नल कम्स टूवर्ड्स द मिक्सर। किसके पास आ रहे हैं, मिक्सर। मिक्सर को अपन ने पढ़ा था, मिक्सर कंसिस्ट ऑफ द और जनरेट्स डिफरेंट फोर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है, फोर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के पास दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आते हैं, जो आरएफ एम्पलीफायर से आने वाले सिग्नल है उसको कहते हैं अपन सिग्नल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिग्नल। दैट इज अभी इसको जो ये जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल फ्रिक्वेंसी मिली इसको मतलब FS, और उसके हमेशा ध्यान में रखना है कि मिक्सर को कनेक्ट रहता है लोकल ऑसिलेटर। अभी वो लोकल ऑसिलेटर कहाँ कनेक्ट रहता है, सिर्फ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में, अदरवाइज आप लोग मिक्सर को क्रिस्टल ऑसिलेटर भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आरएफ एम्पलीफायर से आई हुई फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, FS, और लोकल ऑसिलेटर से आई वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, FO। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को मिला के मिक्सर ने चार डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट जनरेट किया था, जिसमें से पहला था FO, FS, FO माइनस FS, FO प्लस FS। अभी मिक्सर ने क्या किया, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आरएफ एम्पलीफायर को दे दी, बट आईएफ एम्पलीफायर को कौन सी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, एक ही फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, दैट इज एफओ माइनस एफएस, बिकॉज आईएफ इज इक्वल्स टू एफओ माइनस एफएस। और आईएफ एम्पलीफायर इट इज अ फिक्स फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वो एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा। तो उसने कौन सी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की, दैट इज एफओ माइनस एफएस, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज आई एफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ FM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, दैट इज 10.7 मेगाहर्ट्ज। क्लियर एवरीवन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी FM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, दैट इज 10.7 मेगाहर्ट्ज। देन आईएफ एम्पलीफायर से जाने वाले सिग्नल किसके पास आया, अभी देखो आप लोगों ने जब AM रिसीवर को पढ़ा था तो AM रिसीवर में यहाँ तक के सेम डायग्राम था, यहाँ तक के सेम डायग्राम था। वहाँ पे भी मैंने DM पैसिस को भी यूज़ किया था, AGC को भी यूज़ किया था, IF एम्पलीफायर को भी यूज़ किया था, मिक्सर को, लोकल ऑसिलेटर को और RF एम्पलीफायर को भी यूज़ किया था। बट यहाँ पे एक ब्लॉक मतलब दो डिफरेंट ब्लॉक्स आपको मिलेंगे, वन इज द लिमिटर एंड द सेकेंड वन इज द डिस्क्रिमिनेटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द FM डिटेक्टर। क्लियर, FM डिटेक्टर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटर, वॉट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटर। तो जब भी मैंने FM को पढ़ा तो FM का मीनिंग था फ्रिक्वेंसी को वैरी करके वैरी करना है और एम्पलीट्यूड और फेज को कांस्टेंट करना है, बराबर है। जो भी मॉड्यूलेशन अपन करते थे तो जो मॉड्यूलेशन अपन कर रहे उसके पैरामीटर को अपन वैरी करते थे और अनादर टू डिफरेंट पैरामीटर्स को अपन कांस्टेंट करते थे। तो देखो यहाँ पे लिमिटर का काम क्या है, जैसे ही सिग्नल आरएफ एम्पलीफायर तक आ चुके थे, सिग्नल कहाँ तक के आ चुके थे, आरएफ एम्पलीफायर तक आ चुके थे, तो आरएफ एम्पलीफायर को के पास आने वाले सिग्नल ने क्या किया, यहाँ पे आए वाले सिग्नल में वेरिएशंस आ रहा था, किसका, एम्पलीट्यूड का वेरिएशंस आ रहा था, और वैसे ही सिग्नल मिले थे किसको, लिमिटर को। बट लिमिटर का काम क्या है, जो भी अनवांटेड एम्पलीट्यूड का वेरिएशंस इस सिग्नल में आ रहा था, क्या हो रहा था, जो भी अनवांटेड
एम्पलीट्यूड का वेरिएशन सिग्नल में आ रहा था, उस अनवांटेड वेरिएशंस को रिमूव करना था और सिग्नल को कांस्टेंट लेवल पे लेके आना था, इसीलिए अपन ने यूज़ किया यहाँ पे लिमिटर. हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिमिटर. उसमें क्या लिखना है आपको, लिमिटर का काम क्या है, तो जो भी अनवांटेड एम्पलीट्यूड का वेरिएशन सिग्नल में आ रहा है उसको रिमूव करके सिग्नल को स्टेबल बनाना था, दैट इज द यूज ऑफ लिमिटर. यहाँ तक के सिग्नल आ गए. अभी सिग्नल आने के बाद ये तो हो गए मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यहाँ तक के जो भी सिग्नल मिले दैट इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. और यहाँ पे एक AGC भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे जो भी IF और RF से आने वाले फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में जो भी आप लोगों का गेन कंट्रोल नहीं हो रहा था, वेरिड हो रहा था, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा था, AGC. उसको ऑटोमेटिकली उसका गेन कंट्रोल कर रहा था RF एम्पलीफायर और IF एम्पलीफायर. और जैसे ही गेन कंट्रोल हो गया, लिमिटर के थ्रू आने वाले सिग्नल को भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का काम AGC ने किया. अभी यहाँ तक के आए वाले सिग्नल थे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटेड हो चुके थे FM में. अभी मुझे FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया डिस्क्रिमिनेटर, दैट इज द FM डिटेक्टर. सो द नेक्स्ट ब्लॉक इज द FM डिटेक्टर. और डिटेक्टर का काम ये है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट किया. बट ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद सिग्नल हैविंग द लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, उसको क्या है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, तो मुझे उसका जो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है सिग्नल की, क्योंकि मेरे जो सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो गए, साइन वेव में, तो मुझे उस सिग्नल को कन्वर्ट करना है या फिर उसको आर्टिफिशियली हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी में लेके आना है, सो दैट मेरा जो रिसीवर में सिग्नल है उसमें जो चेंज ये आ रहे हैं वो नलीफाइड हो जाए रिसीवर साइड में और आई विल गेट द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी सिग्नल. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे FM डिटेक्टर ने क्या किया, जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसको ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट किया. देन दैट सिग्नल कम टूवर्ड्स द डी एम्फेसिस सर्किट में अपन ने पढ़ा था कि जैसे ही अपन ने हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को बूस्ट किया था या फिर आर्टिफिशियल बूस्टिंग किया था हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, उसको अपन ने जीरो लेवल पे लेके आए थे एट द रिसीवर साइड, एंड दिस इज द यूज ऑफ डी एम्फेसिस सर्किट. एंड देन फ्रॉम डी एम्फेसिस सर्किट दैट सिग्नल कम्स टूवर्ड्स द ऑडियो एम्पलीफायर. किसके पास आ रहे थे, ऑडियो एम्पलीफायर के पास. ऑडियो एम्पलीफायर का काम क्या था, इट इज ऑल्सो यूज एज अ पावर एम्पलीफायर, जो कि यहाँ तक के सिग्नल मेरे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हो गए थे. अभी ऑडियो एम्पलीफायर का काम ये था कि सिग्नल को पावर सिग्नल प्रोवाइड करके उसको हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है. जैसे ही सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन दैट सिग्नल कम टूवर्ड्स द स्पीकर. किसके पास आएगा, स्पीकर के पास, विच इज नोन एज द लाउड स्पीकर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टोटल ब्लॉक्स ऑफ FM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, एंड दिस डायग्राम इट इज नथिंग बट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ FM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. नेक्स्ट वी स्टडी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. हियर एज इट कन्वर्ट्स द हाई फ्रिक्वेंसी टू लो फ्रिक्वेंसी, ऑल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस एट लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल. सो दिस डिवाइस आर चीपर एट सच लोअर फ्रिक्वेंसीज कंपेयर टू हाई फ्रिक्वेंसीज. ठीक है, ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है. और ये जो फ्रिक्वेंसीज जो प्रोसीजर है वो टोटल प्रोसीजर किस में हो रही है, लोअर फ्रिक्वेंसीज में. सो दिस डिवाइसेस आर चीपर एट लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी में वो हो जाते हैं कॉस्टली. सो इट इज ईजी टू फिल्टर IF सिग्नल कंपेयर टू RF सिग्नल. अपन उसको इजीली फिल्टर कर सकते हैं IF सिग्नल को थ्रू कंपैरिजन ऑफ RF सिग्नल.
इट ऑफर्स बेटर सेंसिटिविटी कंपेयर टू होमोडाइन रिसीवर आर्किटेक्चर. दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस बट होमोडाइन रिसीवर इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एफ एम रिसीवर. सो दिस लेक्चर इज समराइजेस एज वॉट इज एफ एम रिसीवर. यहाँ पे अपन ने पढ़ा है कि एफ एम रिसीवर क्या होता है. देन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन भी पढ़ा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स का एक्सप्लेनेशन अपन ने पढ़ा है. देन वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट एफ एम डिटेक्टर. थैंक यू.